वीवो पबजी लैग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि पबजी का जो लैग आ रहा है आपको वीवो के फ़ोन पे, तो कैसे उसको फिक्स किया जा सकते हैं, किस वजह से लैगिंग हो रहा है, तो वह सब दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपका जो लैगिंग का प्रॉब्लम है वो भी डेफिनेटली इस वीडियो के बाद जरूर फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मिलते रहे। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ठीक है, लैगिंग प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए। तो आप दोस्तों जब भी गेमिंग करने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त दोस्तों आपको जो है गेम टर्बो यानी कि ये जो है आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है, अल्ट्रा गेम मोड, ठीक है। तो अल्ट्रा गेम मोड जो है आपको यूज़ कर लेना है। उसको यूज़ करने के लिए आपको सेटिंग पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड पर जाके पबजी को ऐड कर देना है, और बैकग्राउंड कॉल्स, बैकग्राउंड नोटिफिकेशंस, ठीक है, वो सब को बंद कर देना है, ठीक है। तो ब्लॉक नोटिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करें, आप देख सकते हैं। तो इन सब बटन्स को यहाँ पे इनेबल करें ताकि आपको बैकग्राउंड पे कोई भी नोटिफिकेशन ना आए और आपका जो यहाँ पर इंटरनेट है उसमें शिफ्ट ना हो जाए और आपका लैगिंग का इशू ना हो जाए यहाँ पर, ठीक है, बस इसी के लिए। तो दोस्तों आपको पूरा नोटिफिकेशंस कॉलिंग्स ब्लॉक करना होगा ताकि आपका लैगिंग का प्रॉब्लम फिक्स हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, आप जब भी गेमिंग करते हैं, कोई फ़ोन आते हैं, कोई मैसेज आते हैं, कोई नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका फ़ोन लैग कर जाते हैं क्योंकि दोस्तों बैकग्राउंड पे आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। उन सबको पहले एक बार बंद कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, रिसेंट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। रिसेंट बटन पर क्लिक करके जितने भी एप्लीकेशंस ऑन किया हुआ है आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लोज ऑल पे, और सारे एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है, ठीक है, सारे एप्लीकेशंस को क्लोज कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है एप्लीकेशंस का कैश को भी क्लियर करना होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन का काफ़ी ज़्यादा कैश है, उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाते हैं। सारे साथ दोस्तों यहाँ पर आइए, मैं आपको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग बता देता हूँ। रैम एंड स्टोरेज पर जाइए, क्लीन अप स्टोरेज पर क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा एम्प्टी ट्रैश करके, ठीक है। तो यहाँ पे जब लोडिंग ख़त्म हो जाएगा आपका ट्रैश यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो ट्रैश है वो है 3.54 GB का, तो इसको क्लीन अप करना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पर क्लीन अप करें, ठीक है। ये क्लीन अप करते ही आप देख लोगे आपका पबजी में इसी से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, स्मूथ हो जाएगा आपका गेमिंग। तो आप ये करके देखिए, और फ़ोन पर आपने एनिमेशन वगैरह जो है ऐड किया हुआ है, ठीक है, फ़ोन एनिमेशन जो आप यूज़ करते हैं स्लाइड करते वक्त आपका जो फ़ोन है स्क्रीन वो घूम जाते हैं, ठीक है, तो वो सब फ़ोन एनिमेशन है, ठीक है। और वीवो के फ़ोन पे एक और ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि डायनेमिक इफेक्ट, तो इन सब को भी आप यूज़ ना करें, ठीक है, तो इनसे लैगिंग का इशू बन जाते हैं। तो बस दोस्तों आपको ये सब जो है बंद कर देना है और अपना पबजी को ऑन करना है। यदि आप हाई क्वालिटी पे, ग्राफिक पे सेट करके यूज़ कर रहे हैं पबजी को, तो दोस्तों आपको उसे जो है बैलेंस या तो फिर स्मूथ पे सेट करना है, ठीक है। हाई क्वालिटी आप सेट नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वीवो के फ़ोन के अंदर पे, ठीक है, तो हाई क्वालिटी आपको नहीं मिलते हैं। तो बस दोस्तों आपको क्या करना है, आपको स्मूथ पे प्ले करना होगा, ठीक है, ग्राफिक स्मूथ पे, और आपका जो फ्रेम रेट है वो है लो पे आपको सेट करना होगा पबजी के ग्राफिक सेटिंग पर जाके, ठीक है। तो पहले तो आप ये सेट कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों प्ले करके देखिए, प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप जो है सॉल्यूशन को कीजिए। और सारे साथ मैंने आपको जो बताया था कैश डिलीट करने का ऑप्शन, उसके लिए आपको जाना है नीचे सेटिंग पर और एप्लीकेशन एंड परमिशन पर जाके ऐप मैनेजर को ओपन कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एप्लीकेशंस का कैश जो है उनको क्लियर करते रहना है। तो इंटरनल स्टोरेज पर जाइए, क्लियर कैश पर क्लिक कीजिए, कैश क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा करके दोस्तों आपको सभी एप्लीकेशन का कैश जो है उसको क्लियर करना है, और मेन है आपका पबजी का कैश, ठीक है, तो उसको भी क्लियर अप करें आप, ठीक है, उसको भी क्लियर अप करें। तो इसको क्लियर अप करने के लिए आपको बस क्लियर कैश पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद देखिए दोस्तों क्लियर हो चुका है कैश, ठीक है, कुछ नहीं होगा, मैंने भी कर दिया है कैश क्लियर।
तो दोस्तों आपको ये कर लेना है। ये करने के बाद दोस्तों डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करें और अपना जो पबजी है उसको लॉन्च करके यूज़ करके देखिए, लैगिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो सिस्टम अपडेट है वो आप करते रहें, ठीक है। सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए ताकि आपका जो प्रोसेसर वगैरह है उन पर अपडेट आ जाए, आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और हो सके। तो बस सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना है, उसके बाद देखें कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक बेसिक सा ही सॉल्यूशन, आपको लैगिंग प्रॉब्लम सॉल्व इसी प्रकार से करना होगा। बाय एनी चांस बहुत सारे लैगिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, लैगिंग जो है जा ही नहीं रहा है, तो दोस्तों आपको एक लास्ट ऑप्शन में बता देता हूँ और ये 100% काम करेगा। सेटिंग पर जाए, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे आके सिस्टम मैनेजमेंट पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करके बैकअप एंड रीसेट पर जाके आपको इरेस ऑल डेटा कर देना है, ठीक है, यानी कि फैक्ट्री रीसेट आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है सभी के लिए तो नहीं है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा भर गया है, फ़ोन पूरा लैग कर रहा है, तो आपको एक बार जो है फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना होगा, ठीक है। तो आप दोस्तों फाइल वगैरह सेव करना चाहते हैं तो गूगल ड्राइव पे आप सेव करें, उसके बाद दोस्तों आप जो है फ़ोन को एक बार फैक्ट्री रीसेट कीजिए, आपका प्रॉब्लम लैगिंग का जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये जो तरीका है मैंने भी करके देखा है, ठीक है, आपने ही फ़ोन पे मैंने करके देखा है, वीवो के फ़ोन पे नहीं, मैंने रेडमी का फ़ोन पे ये करके देखा था, तो उसमें दोस्तों पबजी बहुत ही लैगिंग कर रहा था, तो मैंने जब ऐसा प्रोसेस को फॉलो किया था तो रीसेट करने के बाद, ठीक है, मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करने के बाद लैगिंग का इशू बिल्कुल भी नहीं था उस फ़ोन पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर वगैरह को भी मैंने अपडेट कर दिया था, तो आप दोस्तों ये सेटिंग कर सकते हैं ना, तो दोस्तों आपका लैगिंग का प्रॉब्लम 100% हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाएगा। आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते जो मैंने आपको बेसिक सॉल्यूशन बताया उसको करते रहिए, ठीक है। ये सेटिंग, ये सॉल्यूशन जो मैंने आपको दिया है पहले, ठीक है, फर्स्ट में जो मैंने आपको सॉल्यूशन बेसिकली दिया हुआ है उनको आपको करते रहना होगा ताकि आपको लैगिंग का प्रॉब्लम दोबारा से ना आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। किसी भी तरह का इशू, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आ रहा है कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं, सारे साथ ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।